साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर यानी कि जो मस्कट था उसका नाम क्या था। तो साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो मस्कट यानी कि शुभंकर था उसका नाम था फ्रिज। फ्रिज जो है साथियों एक प्रकार की कैप होती है। एक प्रकार की क्या होती है साथियों? कैप होती है जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक होती है साथियों? ये स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। याद रखेंगे, जो फ्रिज है ये स्वतंत्रता का प्रतीक होती है और एक प्रकार की कैप का ये नाम है। साथियों, इसका आयोजन कब हुआ था? तो आयोजन की अगर हम बात करें तो 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य में इस ओलंपिक का आयोजन किया गया। और साथियों, ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया? पेरिस जो है साथियों ये फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस कहां की कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। साथियों, इसका जो आदर्श वाक्य था वो था गेम वाइड ओपन। तो बहुत ही यहां पर महत्वपूर्ण दो पॉइंट है आपके लिए। इसका जो शुभंकर यानी कि जो मस्कट है साथियों उसका नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है फ्रिज। और जो इसका आदर्श वाक्य है, जो इसका मोटो है साथियों, वो है गेम वाइड ओपन। इसको भी आप याद कर लीजिएगा साथियों। उद्घाटन जो समारोह है वो हुआ था पेरिस में सीन नदी के तट पर। तो साथियों, जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, आपको पता है कि वो सीन जो नदी है उसके किनारे स्थित है। सीन एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है। तो इसके किनारे जो है साथियों, जो उद्घाटन समारोह है उसका आयोजन किया गया था। और ये ओलंपिक इतिहास में पहली बार है कि उद्घाटन समारोह का आयोजन जो है वो किसी स्टेडियम के बाहर किया गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसी नदी के तट पर या फिर स्टेडियम से बाहर किसी स्थान पर उद्घाटन समारोह जो है वो आयोजित किया गया। साथियों, इसका जो समापन समारोह है यानी कि जो क्लोजिंग सेरेमनी है साथियों, वो हुई है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। और ये फ्रांस का सबसे बड़ा स्टेडियम है साथियों, याद रखेंगे स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम जो है साथियों, ये फ्रांस का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो यहां पर इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है साथियों वो आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे विश्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में ओलंपिक 2024 से रिलेटेड। साथियों, कुल जो खेल खेले गए इस ओलंपिक में उनकी संख्या जो है वो है 32 यानी कि 32। तो कुल 32 जो है खेल जो है उनको शामिल किया गया था इस ओलंपिक में। कुल अगर हम लोग पदक इवेंट्स की बात करें तो टोटल 48 यानी कि 48 जो पदक इवेंट्स हैं साथियों उनका आयोजन किया गया ओलंपिक 2024 में। और कुल पदक प्रतियोगिताओं की अगर बात करें तो साथियों 48 जो इवेंट थे इनके अंतर्गत कुल 329 जो प्रतियोगिताएं हैं वो जो है की गई थी इस बार। और साथियों, कुल खेल सत्र कितने हुए यानी कि इन प्रतियोगिताओं में जो सेशंस होते हैं साथियों, कुल जो सत्र हैं खेल के वो कितने हुए? तो वो हुए हैं 754 यानी कि 754। और साथियों, कुल भाग लेने वाले जो एथलीट थे इस ओलंपिक 2024 में साथियों, उनकी संख्या थी 10,500। इनको भी आप याद कर लीजिएगा साथियों। पहली बार कौन कौन से खेल थे जिनको शामिल किया गया इस बार के ओलंपिक में? तो साथियों, चार खेलों को शामिल किया गया, जिनमें पहला है ब्रेकिंग, फिर है स्केटबोर्डिंग, फिर है क्लाइंबिंग और उसके बाद में है सर्फिंग। साथियों, ये जो चार खेल हैं इनको पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है शामिल किया गया। अब साथियों, हम लोग देखते हैं भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा साथियों। भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक 2024 में भाग लिया यानी कि पार्टिसिपेट किया? तो साथियों, कुल जो है 117 जो खिलाड़ी थे या फिर 117 आप कह सकते हैं जो एथलीट थे, उन्होंने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। साथियों, कुल जो पदक भारत को मिले हैं इस ओलंपिक 2024 में साथियों, कुल जो भारत को पदक मिले हैं वो मिले हैं 6। भारत को कुल 6 पदक यहां पर जो है मिले हैं, जिनमें जो रजत पदक है साथियों उसकी संख्या जो है वो 1 है, और जो कांस्य पदक है साथियों उनकी संख्या जो है वो है 5। तो 1 रजत यानी कि सिल्वर और 5 कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल के साथ में इंडिया को जो टोटल मेडल मिले हैं वो मिले हैं 6। साथियों, भारत की तरफ से कुल कितनी पदक प्रतियोगिताएं हुई जिनमें भारत के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो साथियों, 69 यानी कि 69 पदक प्रतियोगिताएं हुई भारत की तरफ से, जिनमें भारत की खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया यानी कि हिस्सा लिया। साथियों, भारत के पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो भारत को ये 6 पदक मिले हैं तो ये किन किन खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए, आइए हम लोग उनको एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। जी हाँ, नीरज चोपड़ा साथियों, नीरज चोपड़ा जो है इनका संबंध जो है वो एथलेटिक्स के साथ में है। और एथलेटिक्स में किस ग्रुप के अंतर्गत ये आते हैं साथियों? तो एथलेटिक्स के अंतर्गत जो प्रतियोगिता होती है भाला फेंक की यानी कि जैवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन थ्रो के एथलीट हैं यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता जो होती है उसमें उन्होंने प्रतिभाग लिया, उसमें इन्होंने जो है हिस्सा लिया। और साथियों, इनको जो पदक मिला है वो मिला है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो है साथियों वो जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में।
साथियों अगला जो पदक है भारत को वो मिला है मनु भाकर के द्वारा। साथियों मनु भाकर जो है इनका संबंध जो है वो शूटिंग से है यानी कि निशानेबाजी से है, और महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल जो स्पर्धा थी उसमें इन्होंने जो है वो पदक जीता है। और साथियों मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है, याद कर लेंगे। नीरज चोपड़ा और मनु भाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपको इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। तो तीसरा जो नाम है वो है मनु भाकर एवं सरबजोत सिंह का। जी हाँ, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भी जो है शूटिंग प्रतियोगिता में जो है पदक जीता है। और साथियों मिश्रित टीम यानी कि जो आपकी युगल टीम होती है उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जो है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है वो जीता है पदक। और साथियों इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, याद रखेंगे। मनु भाकर ने जो है वो इंडिविजुअल भी पदक जीता है, और साथियों जो टीम है उसमें इन्होंने टीम में भी एक कांस्य पदक जो है वो जीता है सरबजोत सिंह के साथ में। साथियों अगला जो पदक है भारत को वो दिलाया है स्वप्निल कुसाले ने। जी हाँ, स्वप्निल कुसाले जो है इन्होंने भी भारत को पदक दिलाया है। और स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से, साथियों याद रखेंगे इनका संबंध भी जो है वो शूटिंग से है। और इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल जो है प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक जो है वो जिताया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, आप याद रखेंगे जैसे कि मनु भाकर सरबजोत सिंह इन्होंने भी कांस्य पदक भारत को दिलाया है, लेकिन उन्होंने दिलाया है 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में, और स्वप्निल कुसाले ने दिलाया है 50 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में। तो जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कभी कभी हो सकता है कि आपसे किस प्रतियोगिता में पदक जीता है ये भी पूछ लिया जाए। तो आप ध्यान रखेंगे मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में, जबकि स्वप्निल कुसाले ने जीता है 50 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। तो अगला जो पदक है वो भारत की हॉकी टीम ने जीता है। जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम जो है उन्होंने भी पदक जीता है। और इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पदक जो है भारत को मिला है, साथियों भारत को कांस्य पदक मिला है। तो भारत की जो हॉकी की टीम है मेल जो है ग्रुप में यानी कि पुरुष वर्ग में, तो उन्होंने कांस्य पदक जो है साथियों वो जीता है। साथियों अगला जो पदक है भारत को वो दिलाया है अमन सहरावत ने। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अमन सहरावत। साथियों अमन सहरावत ने जो है कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाया है, याद रखेंगे। 57 किलोग्राम भार वर्ग की जो प्रतियोगिता थी उसमें अमन सहरावत ने भारत को जो है वो कांस्य पदक जो है वो दिलाया है, काफी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। तो साथियों मनु भाकर, सरबजोत सिंह, इसके अलावा भारतीय जो हॉकी टीम है साथियों वो अमन सहरावत, याद रखेंगे, और स्वप्निल कुसाले, साथियों ये सब वो नाम हैं जिन्होंने भारत को पदक जिताए हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। और यहाँ से आपको डेफिनेटली जो प्रश्न है वो आने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं, आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके, आने वाले जो पेपर होंगे वहां पे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, सर्वाधिक पदक जीतने वाले देश, तो भाई सबसे अधिक जो पदक है वो किस देश ने जीते और भारत ने कुल कितने पदक जीते, इन पर आइए चर्चा कर लेते हैं। साथियों सबसे अधिक पदक जीते हैं यूएसए ने। यूएसए ने टोटल जो है 126 यानी कि 126 मेडल जीते हैं, जिसमें 40 इनको मिले हैं गोल्ड, 44 इनको मिले हैं रजत यानी कि सिल्वर, और 42 यानी कि 42 इनको मिले हैं कांस्य। तो 40 गोल्ड है, 44 जो है सिल्वर है, 42 जो है वो ब्रोंज है, और टोटल इनको मेडल जो है वो मिले हैं 126। तो यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे रहा। सबसे सेकंड पोजीशन पे आता है चाइना, और चाइना ने टोटल जो मेडल जीते हैं साथियों 91 इन्होंने टोटल मेडल जीते हैं, कुल पदक जीते हैं इन्होंने 91, जिसमें इनको 40 स्वर्ण मिले हैं, 27 रजत मिले हैं, 24 कांस्य मिले हैं, और इस तरह से कुल इन्होंने 91 पदक साथियों जीते हैं, और ये सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे साथियों रहा है जापान, जिसने 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य के साथ कुल 45 पदक जीते हैं साथियों। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने 18 स्वर्ण, 19 रजत, 16 कांस्य के साथ कुल जो है वो 53 पदक जो है वो जीते हैं साथियों। फ्रांस ने जीते हैं 16 स्वर्ण, 26 रजत, 22 कांस्य, और कुल यानी कि 64 इन्होंने पदक जीते हैं। तो साथियों सबसे अधिक जो गोल्ड है वो जीते हैं यूएसए और चाइना ने, 40-40 दोनों लोगों ने जीते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यूएसए को टोटल मिले हैं 126 और चाइना को मिले हैं 91। फिर जापान है 20 गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड, उसके बाद में फ्रांस जो होस्ट था इस ओलंपिक 2024 का साथियों उसने जीते हैं 16 गोल्ड। यहीं पर अगर हम लोग भारत की बात करें तो साथियों भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है इस ओलंपिक में, भारत को एक रजत पदक मिला है यानी कि एक सिल्वर मिला है, 5 कांस्य पदक मिले हैं यानी कि 5 इनको ब्रोंज मिले हैं, तो टोटल हो जाते हैं 6 यानी कि भारत ने कुल जो है वो 6 पदक जीते हैं इस पेरिस ओलंपिक 2024 में। साथियों अगर सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें, यहां पर तो अभी हम लोगों ने देशों की बात की, अगर हम लोग खिलाड़ियों की बात करते हैं तो सर्वाधिक पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं साथियों उनका नाम है झांग युफेई।
ये जो झांग युफेई हैं, इन्होंने 6 कुल पदक जीते हैं और इनका संबंध है तैराकी से। जी हाँ, झांग युफेई जो हैं, इन्होंने कुल 6 पदक जीते हैं इंडिविजुअली और इन्होंने तैराकी में जीते हैं, और इनको एक मिला है रजत पदक, जबकि 5 इनको मिले हैं साथियों कांस्य पदक। इसके अलावा साथियों सर्वाधिक गोल्ड मेडल यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले अगर हम लोग खिलाड़ियों की बात करें साथियों, तो मर्चेंट जो लियोन है साथियों, इनको भी जो है इनका भी संबंध तैराकी से है, और इनको जो है 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, एक रजत पदक मिला है यानी कि एक सिल्वर मिला है, टोटल इनको 5 मेडल मिले हैं। याद रखेंगे तो झांग युफेई को मिले हैं 6 मेडल, मर्चेंट लियोन को मिले हैं 5 मेडल। बस डिफरेंस ये है कि इन्होंने जो है गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता है झांग युफेई ने, जबकि गोल्ड मेडल सबसे अधिक जीते हैं मर्चेंट लियोन ने। साथियों आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो मर्चेंट लियोन है इनका संबंध किस देश से है। जी हाँ, ये किस देश के एथलीट हैं मर्चेंट लियोन, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथियों जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बॉक। साथियों उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे, तो यानी कि जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी तो जो भारतीय ध्वजवाहक थे, ध्वज लेकर चलते हैं ना उसमें जब उद्घाटन समारोह होता है आपने देखा होगा, तो साथियों भारतीय जो ध्वजवाहक थे वो थे पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु जो है भारत की प्लेयर और शरद कमल साथियों ये जो है भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। साथियों अगर हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह की बात करें तो वहां पर जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे वो थे मनु भाकर और पी आर राजेश। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल जो हैं साथियों, इन्होंने भारतीय जो ध्वज है उसको लेकर जो है रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और साथियों समापन समारोह में जो भारत को रिप्रेजेंट करने का कार्य है साथियों वो किया था मनु भाकर और पी आर राजेश ने। तो साथियों ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े हुए। आई होप ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। साथियों इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि जो अगला ओलंपिक है जो कि वर्ष 2028 में खेला जाएगा उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।